हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। अगर आप डीसी के एनिमेटेड शोज़ और एनिमेटेड मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपके लिए एक सैड न्यूज़ है। हालांकि बहुत से डीसी फैंस को यह न्यूज़ अब तक पता चल ही गई होगी। फेमस वेटरन हॉलीवुड वॉइस एक्टर केविन कॉनरॉय हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 66। यानी 66 ईयर्स की एज पर केविन कॉनरॉय की डेथ हो गई है। केविन कॉनरॉय को आप जानते ही हैं, बैटमैन के वॉइस एक्टर के तौर पर ये पॉपुलर थे, और बैटमैन के एनिमेटेड सीरीज़, चाहे बैटमैन के एनिमेटेड मूवीज़ हों या आर्कम के वीडियो गेम्स या इनजस्टिस के वीडियो गेम्स, इन्होंने बैटमैन को वॉइस दिया था। और एरोवर्स ने जब क्राइसिस ऑन इन्फाइनाइट अर्थ के इवेंट्स किए थे, उसमें ये ओल्डर वर्जन ऑफ ब्रूस वेन के तौर पे भी नज़र आए थे। तो एक बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है जो डीसी की एनिमेटेड सीरीज़ के जो फैंस हैं उनके लिए। केविन कॉनरॉय बहुत ही आइकॉनिक एक तरीके से वॉइस एक्टर थे हॉलीवुड के। अब गाइज, जिस भी एक्टर को वॉर्नर ब्रदर्स लाएगा एज अ परमानेंट वॉइस ऑफ ब्रूस वेन, उससे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस वॉइस एक्टर पे, क्योंकि केविन कॉनरॉय एक तरीके से आइकॉनिक वॉइस थे ब्रूस वेन की। और जब भी कोई केविन कॉनरॉय की वॉइस सुनता था तो हमेशा जो दिमाग में लोगों के आता था वो बैटमैन की वॉइस आती थी, क्योंकि इतने ज़्यादा आइकॉनिक ये वॉइस एक्टर थे। तो जो भी नया वॉइस एक्टर एज अ परमानेंट वॉइस लाया जाएगा ब्रूस वेन या बैटमैन के लिए, तो एक्सपेक्टेशंस फैंस को काफ़ी ज़्यादा उससे होंगी। तो देखते हैं कि अब केविन कॉनरॉय के अल्टरनेटिव के तौर पे कौन सा वॉइस एक्टर आता है बैटमैन के लिए। हालांकि डीसी ने अभी फिलहाल की कुछ एनिमेटेड सीरीज में या एनिमेटेड मूवीज़ में अदर एक्टर्स को यूज़ किया था वॉइस एक्टर के तौर पे, लेकिन जो लव एंड सपोर्ट केविन कॉनरॉय को मिलता था वो कभी अदर वॉइस एक्टर्स को नहीं मिला। तो देखते हैं कि फ्यूचर में किसे परमानेंट वॉइस ऑफ बैटमैन के तौर पर लाया जाता है। हालांकि काफ़ी सैड न्यूज़ है, केविन कॉनरॉय अब हमारे बीच नहीं है। तो यही थी छोटी सी अपडेट, और डीसी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।